हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो दोस्तों। आज मैं वापस से चारपिट मेथड पे बात करूंगा। इससे पहले दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर चारपिट मेथड अप्लाई किया था और चारपिट मेथड की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे याद करना है वो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था। तो दोस्तों, आज मैंने और एक चारपिट मेथड से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन मिलकर सॉल्व करेंगे। तो आज दोस्तों, मैंने एक प्रॉब्लम ली है जहां पे पी और क्यू के बीच रिलेशन जो मिलता है चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन लगाने के बाद, वो आसानी से नहीं मिलेगा। वहां पे हो सकता है अपन को रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी लगानी पड़े, या फिर अपन को इंस्पेक्शन मेथड यूज करना पड़े, या फिर अपन को दूसरी चीज भी करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इजी प्रॉब्लम दी थी और वहां से आसानी से पी और क्यू के बीच रिलेशन मिल गया था, लेकिन आज जो प्रॉब्लम है उसके अंदर थोड़ा अपन को सोचना पड़ेगा। सबसे पहले बात है कि अपन को करना क्या पड़ता है। अपने पास एक प्रॉब्लम एग्जाम के अंदर आती है जहां पे पी क्यू एक्स वाई जेड इन पांच वेरिएबल के बीच में रिलेशन होता है और एक अपन को इक्वेशन दे देते हैं और बोलते हैं कि इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले स्टेप नंबर वन ये होता है कि अपन को ये जो पूरी जो इक्वेशन है उसको फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है पूरी इक्वेशन के अंदर, और उसके बाद अपन को क्या करना है, वहां पे अपन को चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखना है। और ये चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी कैसे है, याद कैसे करनी है, ये लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था। और जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट में जाए और देखिए, वहां पे मैंने बता रखा है कि ये इक्वेशन कैसे याद करनी है। और वो लास्ट वीडियो की ट्रिक अगर आप लगाएंगे तो विद इन 3 to 4 seconds आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपन क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दे रखा था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qy प्लस 2xy इक्वल टू 0। इसको चारपिट मेथड से सॉल्व करना, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जहां p का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है यानी डेल z बाय डेल x है, और q भी एक पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है यानी डेल z बाय डेल y है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है कि अपन को पांच डेरिवेटिव निकालने पड़ते हैं, किस किस के रेस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड पी और क्यू के रेस्पेक्ट में निकालने पड़ते हैं, क्योंकि पांचों डेरिवेटिव ये जो चारपिट की ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है उसके अंदर रखने पड़ते हैं। तो अपन एक बार निकाल के रख लेते हैं। तो देखो, अपने पास जैसे एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में अगर अपन डिफरेंशिएट करें तो यहां से मिलेगा माइनस 2p और यहां से मिलेगा प्लस का 2y, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो अपन को क्या मिल जाएगा, माइनस का p प्लस का y। और जब y के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से मिलेगा माइनस 2q और वहां से मिलेगा प्लस का 2x, तो यहां से भी 2 कॉमन ले लेता हूं, मेरे को मिल जाएगा माइनस का q प्लस x। और z के रेस्पेक्ट में देखो दोस्तों, डिफरेंशिएट अपन नहीं कर सकते हैं, z की कोई टर्म नहीं है, तो ये एफ जेड होगा अपना 0। और p के रेस्पेक्ट में दोस्तों अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से मिलेगा 2p और यहां से मिलेगा माइनस का 2x, तो 2 कॉमन ले लूं तो मेरे को क्या मिलेगा दोस्तों, पी माइनस एक्स मिलेगा। और q के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूं तो यहां से मिलेगा 2q और यहां से मिलेगा माइनस का 2y, अगर 2 कॉमन ले लूं तो मेरे को मिल जाएगा q माइनस y। तो दोस्तों, मैंने पांच डेरिवेटिव फटाफट मैंने दोस्तों निकाल लिए। ये पांचों डेरिवेटिव इस चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर लगाएंगे। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे याद करनी दोस्तों, वीडियो आप जरूर जाके देखें, वहां पे मैंने ट्रिक बता रखी, विद इन 3 to 4 seconds उस ट्रिक को इस्तेमाल करके आप चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हो। और एग्जाम के अंदर बच्चों को काफी तकलीफ आती है, बच्चे चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन ही नहीं लिख पाते हैं, तो वहां से उनके नंबर कट सकते हैं। तो देखो दोस्तों, तो अपन ये अगर इक्वेशन के अंदर अगर अपन डेरिवेटिव पुट करें तो अपने पास क्या आएगा, डीपी अपॉन, देखो ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि एफ जेड अपना जीरो है, तो जेड के रेस्पेक्ट में कोई डेरिवेटिव नहीं आया था, तो ये जीरो है, तो अपने पास देखो यहां पर आएगा सिर्फ एफ एक्स और यहां पर सिर्फ क्या आएगा, एफ वाई आएगा, तो डीपी के नीचे क्या आएगा, एफ एक्स, यानी 2 times माइनस पी प्लस वाई, और डी क्यू के नीचे क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई, यानी इस पूरे फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या है, 2 times माइनस क्यू प्लस एक्स, और dz के नीचे क्या आएगा, जो ये फंक्शन था उसका p के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होता है उसका माइनस p से मल्टीप्लाई करना है, और q के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव आया था उसका माइनस q से मल्टीप्लाई करना है। तो ये अपने पास देखो 2 तो इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, तो अगर 2 कॉमन ले लू तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस पी पी माइनस एक्स और माइनस क्यू क्यू माइनस वाई, ये आ जाएगा dz के नीचे। अब सिमिलर dx के नीचे क्या आएगा, माइनस ऑफ एफ पी आएगा, यानी पी के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव था पूरे फंक्शन का जो अपना है 2 times पी माइनस एक्स, और माइनस का साइन अगर अपन अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये अपने दोनों पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 2 times हो जाएगा एक्स माइनस पी हो जाएगा, यानी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी देखो ये क्या हो जाएगा, 2 times और ये हो जाएगा वाई माइनस क्यू। दोस्तों, अपनी चारपिट ऑक्सिलरी अपन इक्वेशन अपन ने लिख ली। अब दोस्तों,
इस इक्वेशन से कैसे भी करके अपन को रिलेशन चाहिए, डायरेक्ट अगर रिलेशन मिल जाए पी और क्यू में तो बहुत अच्छी बात है, और अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है तो अपन को रिलेशन मिल जाए पी और क्यू का एक्स और वाई के साथ, जेड तो यहाँ पे है नहीं जो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो पी और क्यू का अगर एक्स और वाई के साथ अगर रिलेशन मिल जाए तो भी अच्छी बात है। अब देखो दोस्तों इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व नहीं कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि देखो ये इंटीग्रेबल नहीं है, क्योंकि देखो इंटीग्रेट करना पी के रेस्पेक्ट में और वाई का फंक्शन यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट करना क्यू के रेस्पेक्ट में और एक्स का फंक्शन यहाँ पे, और ये भी इंटीग्रेबल नहीं है, इंटीग्रेट करना जेड के रेस्पेक्ट में, लेकिन पी एक्स और क्यू वाई अवेलेबल है और ये भी इंटीग्रेबल नहीं है। तो अपन को ये यहाँ पे समझ में आता है कि ये जो पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो रेशियो की फॉर्म में है ये इंटीग्रेबल नहीं है, तो अपन को यहाँ पे कोई ना कोई रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो अपन यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है कि अगर अपन dp dq को कोरिलेट करें dx dy से, तो अपन को ये समझ में आ रहा है कि देखो 2 2 2 2 मतलब ये जो बार जो कांस्टेंट है ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें समानता क्या है, इसमें कॉमन टर्म देखो क्या है, देखो माइनस पी प्लस वाई यहां पे भी है, माइनस पी और वाई यहां पे भी है, माइनस क्यू प्लस एक्स यहां पे भी है, और माइनस क्यू प्लस एक्स ये रहा, माइनस क्यू प्लस एक्स यहां पे भी है। इसका मतलब ये क्या हुआ, अगर मैं इन दोनों को अगर जोड़ू dp प्लस dq को तो इनके सम के बराबर आएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहां पे कुल चार टर्म है, माइनस पी वाई माइनस क्यू और एक्स, और यहां पे माइनस पी एक्स वाई और माइनस क्यू, यानी ये जो चार टर्म है इस चार टर्म से क्या सिमिलर है। तो अगर डीपी डीक्यू को कोरिलेट करें डीएक्स डीवाई से तो ये दोनों क्या आएंगे, आपस में सेम आएंगे, मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों, मतलब मैं कह रहा हूं कि डीपी प्लस डीक्यू को अगर मैं जोड़ दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या मिलेगा, टू टाइम्स माइनस पी प्लस वाई माइनस क्यू प्लस एक्स किसके बराबर आएगा, डीएक्स प्लस डीवाई, ये आएगा टू यहां पे कॉमन, एक्स माइनस पी प्लस वाई माइनस क्यू, तो देखो दोस्तों ये दोनों सेम टर्म है तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास रिलेशन क्या आ जाएगा, डीपी प्लस डीक्यू इज इक्वल टू डीएक्स प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों, डीवाई आ जाएगा। तो दोस्तों अपन को यहां पे ये समझ में आता है कि इस क्वेश्चन के अंदर पी और क्यू के बीच में जो रिलेशन निकालना पड़ता है उसके वो निकालना यहां पे आसान नहीं था, और अभी भी अपने पास क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि पी और क्यू के बीच में अपने पास यहां पर रिलेशन तो मिल गया है, लेकिन पी और पी का एक्स और वाई की टर्म में और क्यू का एक्स और वाई की टर्म में रिलेशन निकालना यहां पे आसान नहीं होगा। इसका रीजन ये है क्योंकि अगर मैं इसको इंटीग्रेट भी कर दूं तो देखो दोस्तों मेरे को क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करने पर पी प्लस क्यू इक्वल टू आएगा एक्स प्लस वाई प्लस ए, तो यहां पर मेरे को पी और क्यू का डायरेक्ट मान नहीं मिल रहा है, ठीक है दोस्तों, तो मेरे को यहां पर और यहां पर सोचना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, और मैं क्या सोच सकता हूं, और मैं सोच ही सकता हूं कि जो मेरे को जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्वेश्चन क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी एक्स माइनस टू क्यू वाई प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो था ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को ये समझ में आता है कि ये जो इक्वेशन आई है इसको सोल्व करने पर पी प्लस क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस ए, जहां पे कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन का, इसको मैं इसके साथ कोरिलेट करा सकता हूं। कैसे कोरिलेट करा सकता हूं, देखिए पी स्क्वायर माइनस टू पी एक्स यहां पे है, ठीक है, तो यहां पे p माइनस एक्स का स्क्वायर बन सकता है अगर मैं एक्स स्क्वायर यहां पे ऐड कर लूं, और यहां पे q स्क्वायर माइनस टू क्यू वाई है, अगर यहां पे q माइनस वाई का स्क्वायर बन सकता है अगर मैं वाई स्क्वायर यहां पे ऐड कर लूं, और p माइनस एक्स यहां पे भी आ जाएगा, क्योंकि अगर इसको मैं अगर यहां भेज दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, पी माइनस एक्स प्लस क्यू माइनस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट ए, तो p माइनस एक्स और q माइनस वाई इक्वल टू ए, और p माइनस एक्स और q माइनस वाई का स्क्वायर यहां पे बनाया जा सकता है अगर मैं इसी इक्वेशन के अंदर ऐड कर लूं और सब्ट्रैक्ट कर लूं, क्या करूं इस इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐड कर लूं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लूं, तो देखो पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स बन जाएगा पी माइनस एक्स का स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर माइनस टू क्यू वाई प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू क्यू वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा क्यू माइनस वाई का स्क्वायर, और इससे जो टू एक्स वाई को अगर मैं यहां भेज दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए तो ये इक्वेशन यहां से कोरिलेट की जा सकती है, और अब मैं क्या करता हूं पी माइनस एक्स को मान लेता हूं कैपिटल पी और क्यू माइनस वाई को कैपिटल क्यू मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा कैपिटल पी प्लस कैपिटल क्यू इक्वल टू ए, और यहां से अपने पास दोस्तों क्या हो जाएगा इसको कैपिटल पी माना तो कैपिटल पी स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब कैसे भी करके कैपिटल पी और कैपिटल क्यू की वैल्यू अपने पास आ जाए तो ऑटोमेटिकली स्मॉल पी और स्मॉल क्यू अपने पास मिल जाएगा, क्योंकि कैपिटल पी ही पी माइनस एक्स है, तो स्मॉल पी क्या निकलेगा एक्स प्लस जो अपने पास आंसर आएगा, ठीक है,
तो अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, देखिए पी प्लस क्यू की वैल्यू मेरे पास है, तो कैसे भी करके पी माइनस क्यू मेरे को मिल जाए, तो पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू आएगा, तो दोनों को मैं ऐड कर लूंगा तो पी और क्यू सब मिल जाएगा, ऐड करूंगा तो पी मिल जाएगा और सेपरेट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा। तो अपन क्या यहां पे कर सकते हैं, अपन यहां पे लिख सकते हैं पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, आप सभी को पता है कि होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू होता है, ठीक है दोस्तों, क्या होता है टू पी क्यू होता है। अब मैं अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस इस 2pq को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, ये 2pq होता है p प्लस q का जो होल स्क्वायर होता है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq में से अगर p स्क्वायर और q स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो अपन को ये 2pq मिलेगा। तो इसमें से अगर मैं घटा दूं p स्क्वायर और माइनस का q स्क्वायर, क्या घटा दूं p स्क्वायर और माइनस का q स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 2pq मिलेगा। ये देखो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq था और 2pq की जगह लिखा p प्लस q का होल स्क्वायर और माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, तो अपने पास ये क्या आ गया दोस्तों पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये डबल हो जाएगा, तो टू टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा माइनस का पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, जो ये अपने पास जो इक्वेशन थी उसी से अपन ने ऑब्टेन किया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जोड़ के और घटा के, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू टू टाइम्स x माइनस वाई का स्क्वायर और p प्लस क्यू इज इक्वल टू a, ये अपने पास आया था जब dp प्लस dq इज इक्वल टू dx प्लस dy दिया था, तो माइनस का a स्क्वायर। तो p माइनस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, p माइनस क्यू की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ टू टाइम्स x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और p प्लस क्यू अपने पास a है तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a। अब इन दोनों इक्वेशन को दोस्तों अगर मैं ऐड कर लूं तो मेरे पास P की वैल्यू क्या आ जाएगी और सब्ट्रैक्ट कर लूं तो Q की वैल्यू आ जाएगी और जो कैपिटल P है वही मेरा स्मॉल P माइनस X है, यही मैंने लेट किया था। देखो कैपिटल P को क्या लेट किया था P माइनस X और कैपिटल Q को मैंने क्या लेट किया था Q माइनस Y और कैपिटल Q क्या आ जाएगा Q माइनस Y, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 बार आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए और इनको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हाफ अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का ए आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहां से देखो स्मॉल p क्या हो जाएगा x प्लस डिस वैल्यू और स्मॉल q का q क्या हो जाएगा y प्लस डिस वैल्यू, तो स्मॉल p क्या निकल जाएगा अपना, ये निकल जाएगा x प्लस हाफ, इसको लिख सकते हैं अपन a प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और q क्या मिल जाएगा y प्लस हाफ a माइनस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, तो अपने पास p और q दोनों निकल गए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखने की बात यह है कि p और q निकालने के लिए अपन को कितना मतलब अपन को यहां पर करना पड़ा है, तो ये आसान क्वेश्चन नहीं था और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं तो स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत आती है और एक अच्छा क्वेश्चन था ये। अभी देखो P और Q निकले हैं, अभी अपन एक इक्वेशन भी लगाएंगे फाइनल आंसर जो कंप्लीट इंटीग्रल निकलता है dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, उसके अंदर मैं पी और क्यू की वैल्यू भी डालूंगा और इंट्रीगेट भी करूंगा और इंट्रीगेट करने के लिए भी मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो इस क्वेश्चन में अभी मैं वापस आपको सारा बताता हूं, इस क्वेश्चन में क्या था, ये क्वेश्चन था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी एक्स माइनस टू क्यू वाई प्लस टू एक्स वाई, ये क्वेश्चन था यहां तक ही था ये क्वेश्चन, ठीक है ये तो मैंने खुद ऐड और सब्ट्रैक्ट यहां पे किया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जब मैंने चार्टपीट की ऑक्सिलरी इक्वेशन जो लगाई थी, ठीक है, जो एग्जाम के अंदर सबसे पहले आपको चार्टपीट की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ती है और ये लिखना कैसे है वो वीडियो में मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया, इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है। तो वहां पे मैंने पांचों डेरिवेटिव इसको फंक्शन मान लिया था और पांचों डेरिवेटिव x y z p और q के रेस्पेक्ट में निकाल के यहां पे रख दिए थे और उसके बाद मेरे को यहां से ये पता चला कि पांचों डेरिवेटिव रखने के बाद डायरेक्ट p और q की वैल्यू मतलब डायरेक्ट p और q के बीच में रिलेशन या p का रिलेशन x और y के बीच में नहीं मिल रहा है, तो मेरे दिमाग में यहां पे ये आया यानी ऑब्जर्वेशन करने पे यहां पे ये समझ में आया कि dp और dq की जो टर्म है नीचे वो सेम टू सेम मैच कर रही है dx और dy की टर्म से। तब यहां पे हमने ये देखा कि dp और dq की टर्म को अगर जोड़ दिया जाए तो सेम टू सेम dx + dy की टर्म बनेगी, तो फिर अपन ने रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी यहां पर लगाई थी और वहां से अपन को मिल गया था dp + dq = dx + dy और इंटीग्रेट करने पे अपने पास आ गया था p + q = x + y + a आ गया था। लेकिन इससे अपना काम नहीं बन रहा है क्योंकि p का
इंडिविजुअल रिलेशन चाहिए एक्स और वाई के साथ, क्यू का इंडिविजुअल रिलेशन चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये आपको पुट करना पड़ता है dz इक्वल टू ptx प्लस qty के अंदर। तो फिर अपन ने एक ऑब्जर्वेशन और देखी, क्या देखी, इस क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा था उसके अंदर ये ऑब्जर्वेशन अपने पास आई कि यहाँ पे p माइनस एक्स का स्क्वायर और q माइनस वाई का स्क्वायर बन सकता है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी एक्सप्रेस की जा सकती है p माइनस एक्स और q माइनस वाई में। तो इसको मैंने एक्सप्रेस कराया x और y को यहाँ पे भेजते भेज के, और p माइनस एक्स और q माइनस वाई में इक्वेशन एक्सप्रेस हो गई थी, और यहाँ पे मैंने p माइनस एक्स का स्क्वायर और q माइनस वाई का स्क्वायर बनाया x स्क्वायर और y स्क्वायर को ऐड और सेपरेट करके, और उसके बाद p माइनस एक्स को कैपिटल p मान लिया और q माइनस वाई को कैपिटल q मान लिया, तो p प्लस q मेरे पास आ गया और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर यहां से मिल गया। तो सिर्फ कमी यहां पे रह गई थी किसकी, p प्लस q तो अपने पास आ गया था, p माइनस q की यहां पे कमी थी, और p माइनस q को अपन लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, और 2pq को लिखा जा सकता है p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो यहां से अपने पास ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और p प्लस q के स्क्वायर के टर्म में p माइनस q का स्क्वायर अपन ने लिख दिया, और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपन को पता था x माइनस y का स्क्वायर, और p प्लस q एक कांस्टेंट था a, तो वहां से अपने पास p माइनस q की वैल्यू आ गई थी और p प्लस q अपने पास ऑलरेडी था, वहां से कैपिटल p और कैपिटल q अपन को मिल गए थे, कैपिटल p था p माइनस x और कैपिटल q था q माइनस y था, और वहां से अपन को स्मॉल p और स्मॉल q निकल गए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अभी ये क्वेश्चन पूरा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब अपन को ये जो p और q की जो वैल्यू आई है दोस्तों अपन को लगानी पड़ेगी किसके अंदर, dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, जो एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है जो कोरिलेट करती है p q x और y और z को, उसी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो इंटीग्रेट करते हो तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। तो वो अपन दोस्तों यहाँ पे लगा के देखेंगे। दोस्तों जरा ध्यान से देखिए कैसे लगेगा। तो देखिए इक्वेशन क्या होगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कनेक्ट करती है सारे वेरिएबल्स को, पांचों वेरिएबल्स को, dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसके अंदर अगर आप दोस्तों वैल्यू डालेंगे p की, तो ध्यान से देखिए p की वैल्यू क्या है, x प्लस हाफ a प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस y का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये p की वैल्यू है दोस्तों, और q की वैल्यू क्या होगी, y प्लस हाफ a माइनस अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स x माइनस y का स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर dy। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जो चीज इंट्रीगेट हो रही है उसको पहले ही लिख लो। तो देखो x dx इंट्रीगेट हो सकता है, a by 2 dx इंट्रीगेट हो सकता है, y dy इंट्रीगेट हो सकता है, a by 2 dy, इंट्रीगेट होने वाले टर्म को पहले लिख लीजिए, लिख दीजिए, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अपने पास x dx प्लस यहां से x dx प्लस हो जाएगा a by 2 dx, और यहां से हो जाएगा y dy प्लस a by 2 dy, और यहां से दोस्तों मैं ये जो कॉमन टर्म है दोनों के अंदर ये अंडर रूट के अंदर 2 टाइम्स x माइनस y का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये भी यहां पे सेम टू सेम है, इसको कॉमन ले लीजिए, तो इसको अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, और हाफ भी बाहर चलेगा क्योंकि हाफ अंदर भी जाएगा, और हाफ अंदर भी जाएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, हाफ को कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा, इसको कॉमन ले लिया अंडर रूट 2 टाइम्स x माइनस y का स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और यहां से मिल जाएगा dx और यहां से मिल जाएगा माइनस का dy, तो dx माइनस का dy। अब अगर LCM अपन ले ले तो ये 2 2 2 यहां पे है, इस 2 को यहां पे भेज देते तो अपने पास क्या हो जाएगा 2 dz इक्वल टू ये हो जाएगा 2 टाइम्स x dx प्लस 2 टाइम्स y dy प्लस a dx प्लस a dy, और यहां पे दोस्तों अपने पास क्या आ जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स x माइनस y का होल स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर dx माइनस dy। तो अब इस इक्वेशन को देखकर ये समझ में आता है कि इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 2 dz का 2z, कोई दिक्कत नहीं है, x dx का x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा x से x स्क्वायर, और सिमिलरली यहां से मिल जाएगा y स्क्वायर, यहां पे a dx का ax, a dy का ay, दिक्कत आ रही है इस वाले के अंदर, इसका इंटीग्रेट करना थोड़ा सोचने वाली बात है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन दोस्तों मैं आपको बताता हूं इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इस टर्म को मैं अलग यहां पे ले रहा हूं, जिसमें इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आ रही है वो कौन सी टर्म है, वो टर्म अपनी है, देखिए वो टर्म अपनी है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स x माइनस y का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर dx माइनस dy। यहां पर दोस्तों सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, देखो क्या सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं अपन, यहां पे एक फॉर्मूला बन सकता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आपने ये सुना होगा, तो वो फॉर्मूला बनाने के लिए सपोज कीजिए u इक्वल टू अंडर रूट 2
एक्स माइनस वाई, अगर मैं ये सपोज करूं यू इज इक्वल टू अंडर रूट टू एक्स माइनस वाई, अगर मैं दोस्तों अगर ये सपोज करूं तो मेरा काम हो सकता है। कैसे? तो देखो, अगर ये सपोज करूं तो मेरे को डी यू क्या मिलेगा, डी यू मिलेगा अंडर रूट टू डी एक्स माइनस डी वाई। तो इसका मतलब डी एक्स माइनस डी वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी, डी यू अपॉन अंडर रूट टू। और ये वैल्यू अगर मैं यहां पर डाल दू डी एक्स माइनस डी वाई की जगह डी यू अपॉन अंडर रूट टू, और ये वैल्यू अगर मैं यहां पर डाल दू तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा, ये बन जाएगा पूरा यू स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू डी यू अपॉन वन बाय रूट टू बार। अब अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है जिसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, यानी जिसका डायरेक्ट अपने पास एक फॉर्मूला होता है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इस यहां पर। एक लास्ट स्टेप है, ये क्वेश्चन अब सॉल्व होने वाला है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है यू इंटू यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी यू बाई टू इंटू यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस का ए स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग ऑफ यू प्लस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और बाहर देखो वन बाय रूट टू भी था, तो इस टर्म के बाहर क्या आ जाएगा, वन बाय रूट टू भी आ जाएगा, और u की वैल्यू अपन वापस डाल देंगे। ये दोस्तों डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x बाय टू इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, लॉग के अंदर होता है x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब x की जगह यहाँ पे u है, u अपन ने क्या माना, अंडर रूट टू एक्स माइनस वाई, जिससे अपना ये फॉर्म बन जाए इंटीग्रेशन वाली। ठीक है दोस्तों, वहां से du भी मिल गया था और वहां से dx माइनस dy हो गया था du अपॉन रूट टू। ये वैल्यू अपन दोस्तों यहाँ पे ऐड कर लेंगे क्योंकि ये तो सारा इंटीग्रेट हो ही गया था, केवल इसी में समस्या आ रही थी। तो इस वैल्यू को अगर अपन यहाँ पे ऐड कर लेंगे और प्लस एक नया कॉन्स्टेंट भी आप ले लीजिए इंटीग्रेशन का b ले लीजिए, इस वैल्यू को अपन लास्ट में इसकी जगह ऐड कर लेंगे जो इंटीग्रेट होना बाकी था, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसको अपन ने चारपिट मेथड से सॉल्व किया है। दोस्तों तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, समझने लायक था, जहां पे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर डायरेक्ट P और Q के बीच में या तो रिलेशन नहीं मिलता है या इक्वेशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है या जहां पर आपको रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी देखनी पड़ सकती है, यहां पर इंस्पेक्शन मेथड लगाना पड़ सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों इस वीडियो में किसी भी स्टेप में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब दूंगा दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों किसी दूसरे प्रकार के या फिर कोई और अलग आपको किसी टॉपिक पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा या फिर आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों मुझे जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसको दोस्तों मेहनत करूंगा नया वीडियो बना के लिखे आऊंगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो देखा। तो दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट था ये चार फिट मेथड के अंदर, जहां पे अपन को ये सोचना पड़ता है कि पी और क्यू के बीच में डायरेक्ट अगर रिलेशन ना मिले तो अपन को क्या करना पड़ सकता है, तो अपन को बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे P और Q के लिए अपन ने देखो कितनी मेहनत की है, यहाँ पे अपन ने रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी भी लगाई, उसके बाद अपन के पास जो क्वेश्चन था उससे अपन ने कोरिलेट भी किया, कैपिटल P और कैपिटल Q भी माना, तो काफी मेहनत के बाद स्मॉल P और स्मॉल Q मिला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, आने वाले वीडियो में और मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो दोस्तों मेरे थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखा, थैंक यू।